नमस्कार दोस्तों, YouTube पर आप देख रहे हो VIP एडिटिंग चैनल। और अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो, वैसा वीडियो आप बनाना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखें, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो फ़ोटो दिख रहे हैं वो फ़ोटो आप चेंज करके खुद का स्टेटस और रील्स बना सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा ध्यान से देखें। तो दोस्तों, अभी अपने ये जो वीडियो है वो चालू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है वो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम एप्लीकेशन खोल लेनी है और सर्च में लिखना है VIP एडिटिंग, आपको लिख लेना है और ये जो चैनल है वो खोल लेनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं जो प्रोजेक्ट फाइल है यहाँ पे मैं दे दूँगा तो वहाँ से आप ये प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है ज़काइवर एप्लीकेशन। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ज़काइवर एप्लीकेशन खोलने के बाद दोस्तों, आपको जिस भी फोल्डर में ये प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड की हो वो फोल्डर यहाँ से खोल लेना है और आपको जो ये रार फाइल दिख रही है वैसी रार फाइल आपको मिलेगी। तो दोस्तों, रार फाइल पर आपको इस तरह क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक करते हो तो सबसे पहले तो आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखना है, उसके अंदर जो पासवर्ड छुपा है वही पासवर्ड आपको यहाँ डालना है। तो मैं अभी पासवर्ड डाल रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पासवर्ड डाल दिया है, अभी मैं ओके कर दूँगा। तो दोस्तों, ओके करते ही यहाँ पे जो रार फाइल है वो जिप फाइल में कन्वर्ट हो गई है। अभी मैं बाहर आ जाऊँगा। बाहर आने के बाद जो मेन एप्लीकेशन है नॉट वीडियो एप्लीकेशन, वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। तो दोस्तों, आप नॉट वीडियो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। बाद में दोस्तों, आपको एप्लीकेशन खोलने के बाद आपको यहाँ पे इंपोर्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पे लॉड प्रोजेक्ट जीप करके लिखा है वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। बाद में आपको यहाँ तीन लाइनिंग पर क्लिक करना है और नीचे जाना है और माई फाइल्स करके लिखा है उस पर क्लिक करना है। इंटरनल स्टोरेज में जाना है और आपने जिस भी फोल्डर में ये जो प्रोजेक्ट फाइल है एक्सट्रैक्ट की हो वहाँ पे जाके आपको जिप फाइल ले लेना है। तो मैं जिप फाइल यहाँ पे डन कर दिया है। तो नॉट वीडियो एप्लीकेशन में ये जो प्रोजेक्ट फाइल है यहाँ ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ ये फाइल आ गई है। अभी मैं उस फाइल पर इस तरह क्लिक कर लूँगा, इस तरह आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। बाद में आपको यहाँ ग्रुप पे क्लिक कर लेना है इस तरह। तो ग्रुप पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हो दोस्तों, यहाँ कुछ फ़ोटो दिए गए हैं जो कि PNG फ़ोटो है और कुछ बैकग्राउंड फ़ोटो दिए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ से मैं वीडियो के आगे आ जाऊँगा, यहाँ से इस तरह वीडियो के आगे आऊँगा। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट दिए हैं और यहाँ पे जो फ़ोटो दिए गए उसका मैंने नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप कोई भी फ़ोटो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों, दो फ़ोटो मैंने दिए गए हैं, एक वाला योर फ़ोटो 2 करके लिखा है और योर फ़ोटो 1 करके मैंने लिखा है। तो मैं कोई भी एक फ़ोटो चेंज करके आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर योर फ़ोटो 1 पर आपको क्लिक करना है फ़ोटो चेंज करने के लिए। बाद में आपको ये तीन लाइनिंग पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको रिप्लेस पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, रिप्लेस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। बाद में तीन लाइनिंग में जाना है, यहाँ पे ये जो तीन डॉट दिख रहे हैं वहाँ पर जाना है और ब्राउज में आपको क्लिक कर लेना है। बाद में आपको यहाँ तीन लाइनिंग पर चले जाना है और इमेज पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, इमेज पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल में जितने भी फोल्डरों में फ़ोटो होंगे वो सभी फोल्डर यहाँ आ जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ से आपको कोई PNG फ़ोटो ले लेना है या फिर आपका कोई कटिंग किया हुआ फ़ोटो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अभी दोस्तों, मैं कोई एक फ़ोटो सिलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने ये फ़ोटो मैंने
सिलेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। तो दोस्तों मैंने फ़ोटो चेंज कर दिया है, अभी मैं यहाँ से वीडियो के आगे आऊँगा तो आप देख सकते हो दोस्तों, थोड़ा मैं आगे आऊँगा तो ये फ़ोटो चेंज होके आ गया है। तो दोस्तों इस तरह आप कोई भी फ़ोटो चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से आप फ़ोटो को आप आजू बाजू कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, इस तरह आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो दोस्तों अभी ये वीडियो सेव करना है, तो सेव करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है और एक ग्रीन बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रोसेस होने के बाद, यहाँ कुछ प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस होने के बाद आपका ये वीडियो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखना मत भूलना।